हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोज्ञान। मुझे दिव्याश्री आपको स्वागत करुच्ची आम चैनल बायोज्ञान को। आमर फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट टी संपूर्ण भाव शेष हो जाए। जो मैंने भिडियोस गुड़िक देखी तो भल कथ न देखी, जो मैंने देखी ना से मैंने जाकिना आम चैनल प्लेलिस्ट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कर गोटे प्लेलिस्ट थी से देखिपर से ठीक अच्छे। से सब भिडियोज आवेलेबल अच्छी तो जाकि देखी नि। ओके तो आज मैंने स्टार्ट करवा अमर थर्ड यूनिट ठीक अच्छे। थर्ड यूनिट रो प्रथम चैप्टर कौन अच्छे अमर एनर्जी ठीक अच्छे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, तापर से सोर्सेस कौन एगुड़ा विषय आम आज डिस्कस करवा। ओके चलो तो देख, आम मैंने समस्ते जाने नेचुरल रिसोर्स कौन ठीक अच्छे। नेचुरल रिसोर्स इंपोर्टेंस केम लाइफ से आम समस्त जाने। तो किटा नेचुरल रिसोर्स था लाइक कोल, पेट्रोलियम, युवा सब कौन मिलियंस ऑफ इयर्स लगिकिना बनी जा फर्मेसन हो ठीक अच्छे। आउ कि रिसोर्स अच्छा लाइक सनलाइट से मैंने कौन अर्थर फर्मेसन रूर्वर से मैंने प्रेजेन्ट अच्छा ठीक अच्छे। रिगार्डलेस वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दिस रिसोर्सेस इन सम वे और अदर। आम क्यों ना क्यों कारण रिसोर्स मानक निर्भरशील ठीक अच्छे। तापर कौन अच्छे दिज रिसोर्सेस आर टर्म्ड एज नेचुरल रिसोर्सेस एंड आर भेरी इंपोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेस को दी भाग में विभक्त करा जाए ठीक अच्छे। रिन्यूएबल रिसोर्स आ गोटे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ठीक अच्छे। रिन्यूएबल रिसोर्स आम ना रू ही जानी नहीं। रिन्यूएबल रिसोर्स मैंने कौन जो रिसोर्स गुड़िक आम आमर यूटिलाइज जिते भी करूना कहीं समाप्त हुए ना ठीक अच्छे। तो आउ गोटे रहा कौन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन आम जब अनसस्टेनेबल वे रे यूटिलाइज करवा तार तार कौन कह परिमाणटा सीमित ठीक अच्छे। आम जब अनसस्टेनेबल वे रे यूटिलाइज करवा ओवर एक्सप्लोइट करना यूज करवा निहती भाव से गोटे ना दिन गोटे गोटे दिन ना दिन से सरी ही। ओके तो यहाँ देखा आगे सब अच्छे आम डिटेल्स डिस्कशन करवा ठीक अच्छे। तो पूर्व जो ना एनर्जी को टाइप अच्छे टाइप्स ऑफ एनर्जी अच्छी है कौन ना काइनेटिक एनर्जी आ गए पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन इट इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज पोजेसेस ड्यू टू द मोशन ड्यू टू इट्स मोशन है जिते बेले से गतिशील थी से जो जो एनर्जीटा हो रोता से कौन कह काइनेटिक एनर्जी कह इट इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। ओके आउट कौन रहा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन इट इज द स्टोर्ड एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्ट्स। काइनेटिक एनर्जी है जितेबले गोटे वस्तुटी मूवमेंट करुथबा से टाइम जो एनर्जी थाए से काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कौन स्थिर अवस्था जो एनर्जी से आक्वायर करता है ड्यू टू इट्स पोजिशन और अरेंजमेंट्स ऑफ इट्स पार्ट्स आम कौन कह पोटेंशियल एनर्जी। एटा समस्त ठिकना टी जहाँ भी जानी थो प्लस टू समस्त फिजिक्स ओब्वियसली पढ़ी ही थी। ओके नेक्स्ट देखा कौन अच्छे रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स ठीक अच्छे। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस कौन डेफिनेशन आज देखिए तो रिसोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी एक्जॉस्टेड इवन आफ्टर कंटिन्यूअस यूटिलाइजेशन आर टर्म्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स मानक जब एनर्जी बाहर कराला कौन कह रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। ओके कौन अच्छे के प्रकार अच्छे गोटे है टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हुए ठीक अच्छे, सोलार एनर्जी, जिओथर्मल एनर्जी, ए प्रकार एनर्जी गुड़ाक आम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस रे जीवा। ओके नेक्स्ट देखा कौन अच्छे नेक्स्ट आसवा आमर सोलार एनर्जी ठीक अच्छे। आम एवं डिस्कस करवा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस विषय फास्ट आम देखा सोलार एनर्जी ठीक अच्छे। सोलार एनर्जी आम समस्त जानते सन रु जो एनर्जी मिलूबा सोलार एनर्जी कह ठीक अच्छे। सोलार एनर्जी रेडिएशन फ्रम द सन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट एंड जेनेट इलेक्ट्रिसिटी। ये सोलार एनर्जी को यूटिलाइज करके आम हीट जेनेट कर सहित इलेक्ट्रिसिटी जेनेट कर। ओके आम ग्राउंड जी सनलैट पहुँचे से नियरली 50% विजिबल लाइट, 45% आम इनफ्रारेड रेडिएशन आ स्मलर अमाउंट यूवी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आमर रेडिएशन थाए ठीक अच्छे। तापर कौन कही सोलार एनर्जी को कन्वर्ट कर पारे थर्मल एनर्जी आउ इलेक्ट्रिक एनर्जी ठीक अच्छे। थर्मल एनर्जी केमी कन्वर्ट करवा
Solar energy being captured and converted into thermal energy by using the most common device, which is flat plate collector. Hello, flat plate collector got a device, jo thare ki ame kon kariba solar energy ko ame capture kariba, then ta sahi ta dwara taku ame convert kariba ama thermal energy re, thik achi. Which are used for the solar heating applications like solar water heaters, house heating. Ei purpose re ame use kariba water heater aur house heating purpose re ame use kariba. Aa gote method rahi chi kon thermal energy कन्वर्शन पे सेटा कौन सोलार पॉन्ड्स ठीक है सोलार पॉन्ड्स व्हिच आर बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर डिजाइन टू कलेक्ट एंड स्टोर सोलार एनर्जी ठीक अच्छे द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सच पॉन्ड्स एनेबल्स द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स फूड टेक्सटाइल्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू वार्म ग्रीन हाउस ओके स्विमिंग पूल्स एंड लाइफ स्टॉक बिल्डिंग्स नेक्स्ट कौन से देखिए सोलार रेडिएशन में कन्वर्ट आम देखिले जे सोलार एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कमी कन्वर्ट कराला कौन कौन यूटिलाइज कराला ठीक अच्छे तापर कौन देखा आम सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कमी इलेक्ट्रिक कमी जेनेट कर विषय भी धारणा नहीं जा सोलार रेडिएशन मे बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलार सेल्स ठीक अच्छे सोलार सेल्स जोटा को आम कौन कह फोटोवोल्टाइक सेल्स कह तो या व्यवहार करना आम इलेक्ट्रिसिटी जेनेट कर ठीक अच्छे ये कौन अच्छे ना कंसेंट्रेटेड सोलार पावर सीएसपी कौन करे मिरर को यूज करना सोलार रेज को कंसेंट्रेट करे ओके से दिस रेज हीट फ्लूइड फ्लूइड हीट करा ए रेज गुड़िक व्हिच क्रिएट्स स्टीम टू ड्राइव अ टर्बाइन एंड जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी से हीट थ्रू रे स्टीम क्रिएट होता है से स्टीम टा कौन करे ना आमर टर्बाइन को ड्राइव कराए जहाद्वारा कि इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट हुए ठीक अच्छे सीएसपी इज यूज टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज स्केल पावर प्लांट्स ओके लार्ज स्केल पावर प्लांट्स जो थाए से कौन सीएसपी को यूज करा जाएगी ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करा जाए ठीक अच्छे वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ सीएसपी पावर प्लांट ओवर ऑफ सोलार फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट इज दैट इट कैन बी इक्विप्ड विथ मोल्टेन सॉल्ट्स इन व्हिच हीट कैन बी स्टोर्ड allowing electricity to be generated after the sun has set ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन अच्छी इन सम कंट्रीज फॉर इंस्टेंस सोलार एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय एवापोरेशन आउरी भी गोटे सोलार एनर्जी रो आमे यूटिलाइजेशन देखि परबा सेटा हला कोनो सी वाटर रो आमे सॉल्ट को केमिति पाई परबा ठीक अछि थ्रू द एवापोरेशन प्रोसेस ओके सिमिलरली सोलार पावर डीसैलिनेशन यूनिट्स ट्रांसफॉर्म सॉल्ट वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर बाय कन्वर्टिंग द सन्स एनर्जी टू हीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट ड्राइव द डीसैलिनेशन प्रोसेस ओके तो एगुटा थी आम सोलार एनर्जी को केमी आम थर्माल एनर्जी रे कन्वर्ट कले सहित इलेक्ट्रिसिटी केमी जेनरेट है कौन कौन डिवाइस यूज है ता सहित अदर यूजेस भी आम देखिले सोलार एनर्जी लाइक सॉल्ट बाहर करवा बाय एवापोरेशन प्रोसेस आउ गोटे कौन रहा आम ड्रिंकिंग वाटर भी आम जो देखिले सॉल्ट वाटर आम ड्रिंकिंग वाटर भी कन्वर्ट कर पारे डीसैलिनेशन प्रोसेस सोलार पावर डीसैलिनेशन यूनिट जोटा अच्छे से कौन करे सॉल्ट वाटर को ट्रांसफॉर्म कराए आम ड्रिंकिंग वाटर रे ठीक अच्छे तो देखा एवं डिसएडवांटेजेस कौन कौन रही डिसएडवांटेजेस आम जो देखा तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ए सोलार सिस्टम इज फेयरली हाई राइट तो सोलार सिस्टम जोटा कि आम इनस्टॉल कर सोलार एनर्जी को यूटिलाइज करने सोलार एनर्जी को पाइबा तो सहीटा कौन था बहुत कॉस्टली पड़े इनिशियल स्टेज ठीक अच्छे इंस्टॉलेशन कॉस्ट तर हाई था दिस इंक्लूड्स पेइंग फॉर सोलार पैनल्स इन्वर्टर बैटरीज वायरिंग एंड द इंस्टॉलेशन ओके नेक्स्ट कौन सब सोलार पैनल आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू इफेक्टिवली गैदर सोलार एनर्जी ऑल्सो टेक इंटू अकाउंट दैट सोलार एनर्जी कैन नॉट बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द नाइट सोलार एनर्जी स्टोरेज इज एक्सपेंसिव ओके तो सोलार एनर्जी को गैदर करिया पई इफेक्टिव वे रे हमको सनलाइट दरकार था ठीक अच्छे किंतु आम सोलार एनर्जी को स्टोर करके रखी पारिबा जोटा कि हमें नाइट यूज किंतु सही प्रोसेस ता बहुत एक्सपेंसिव होता है ठीक अच्छे एटा ओटे डिसएडवांटेज कला नेक्स्ट हमरा कोन अछि द मोर इलेक्ट्रिसिटी वन टू प्रोड्यूस द मोर सोलार पैनल्स यू विल नीड एज यू वांट टू कलेक्ट एज मच
सनलाइट एज पॉसिबल। ठीक अच्छे बहुत जदि इलेक्ट्रिसिटी आमको जनरेट करार अच्छे निहत भाव में आमको बहुत सारा सोलर सोलार पैनल्स को यूज करने को पड़ा। ठीक अच्छे सनलाइट को आमको आक्वायर करने। नेक्स्ट आम कौन अच्छे सोलार पीवी पैनल्स फोटोवोल्टाइक पैनल्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस एंड सम रूफ्स आर नॉट बिग इनफ टू फिट इन द नंबर ऑफ सोलार पैनल्स दैट यू वुड लाइक टू हैव। सोलार जो आमर रही फोटोवोल्टाइक पैनल से गुड़ा कौन बहुत स्पेस नहीं था जोटा कि गोटे गोटे रूफ्रे फिट हो न था तार मान सजा बड़ हो थी। ठीक अच्छे देन आमर कौन अच्छे सम टॉक्सिक मटेरियल्स एंड हैजार्डस प्रोडक्ट्स यूज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ सोलार फोटोवोल्टाइक सिस्टम व्हिच कैन डायरेक्टली अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो जिते बड़े जो फोटोवोल्टाइक सेल गुड़ाक या फोटोवोल्टाइक सिस्टम जो जाए से कौन आम मेनली सिलिकॉन ही यूज करा जाए। ठीक अच्छे तो यही जो फोटोवोल्टाइक सेल्स किंबा सिस्टम रो मैन्युफैक्चर टाइम रे बहुत हजार्डस और टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस हुए जोटा कि आमर एनवायरनमेंट पे ठीक न था। ठीक अच्छे दिज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलार एनर्जी। फिगर आम देखा कि केमी सोलार एनर्जी की यूटिलाइज करा जाए। एटा गोटे सोलार हीटिंग यूनिट एटा कौन अ बिल्डिंग रूफ विथ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स दैट कैप्चर सोलार एनर्जी टू हीट एयर एंड वाटर। ये आम देखिपर यही आमर सोलार फ्लैट कलेक्टर गुड़ाक यूज करा जोटा कि आमर कौन फ्लैट प्लेट लाइक कलेक्टर गुड़ाक यूज करा जोटा कि आमर सोलार एनर्जी को कैप्चर कराकि आमर वाटर आउ एयर को हीट कर व्यवहार करा जाउछ। ओके नेक्स्ट आसीबा हमर कोन सोलार पावर। ए जो घरटा रे उपरे रूफ रे सब कोन लगा जाय छी हमर सोलार पैनल्स उडा लगा जाय छी सोलार पावर जनरेशन करे। नेक्स्ट हमर कोन सब कंसंट्रेटेड सोलार पावर प्लांट। ठीक अछि कंसंट्रेटेड सोलार पावर प्लांट एटा हमर देखाय छी नेवेडा सोलार वन। ठीक अच्छे कंसेंट्रेटेड सोलार पावर प्लांट। ठीक अच्छे ये कौन है ना कंसेंट्रेटेड सोलार पावर प्लांट को कौन करा जाए ना यूजेस मिरर्स दिस यूजेस मिरर्स टू कंसेंट्रेट सोलार रेज दिस रेज हीट फ्लूइड व्हिच क्रिएट्स स्टीम टू ड्राइव अ टर्बाइन एंड जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके देन आमर एटा कौन आ सोलार पावर कुक स्टोव एटा ये फिगरटा पोटाला पैलेस लासा तिब्बतर। ठीक अच्छे ये देख कैटेल टी अच्छी तो ये निहती भाव में सोलार रेज रु कौन करा ना थर्मल एनर्जी क्रिएट करा जहाद्वारा कि कैटेल फूड गुड़िक कुक हो। ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन अच्छे देखा नेक्स्ट आमर आसो कौन विंड एनर्जी। ठीक अच्छे विंड एनर्जी कौन आम पवन जो एनर्जी पाचे आम विंड एनर्जी कहवा विंड पावर विंड एनर्जी डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय व्हिच विंड इज यूज टू जेनरेट मेकानिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। ओके विंड टर्बाइन्स कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इंटू मेकानिकल पावर दिस मेकानिकल पावर कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क सच एज ग्राइंडिंग ग्रेन पंपिंग वाटर और कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय जनरेटर। ओके विंड एनर्जी कौन करा जाए ना काइनेटिक एनर्जी जोटा आम विंड रे मेकानिकल पावर रे कन्वर्ट कराऊ। ठीक अच्छे सो दैट कि से मेकानिकल एनर्जी को आम को स्पेसिफिक टास्क यूज करूँ ग्राइंडिंग ग्रेन्स रे और पंपिंग वाटर करने वाटर पंपिंग रे यूज करा जाए किंबा कौन करा जाए इलेक्ट्रिसिटी रे कन्वर्ट करा जाए बाय यूजिंग अ जनरेटर। ओके तो नेक्स्ट कौन अच्छे आमर विंड टर्बाइन्स यूजेस ब्लेड्स टू कलेक्ट द विंड्स काइनेटिक एनर्जी विंड टर्बाइन्स यही जो फिगरटा ये देखुच साइड्रे एभली आमर इंस्ट्रूमेंट लगी था युवा है टर्बाइन गुड़ाक तो युवा कौन कराए ना युवा यूज कराए विंड र काइनेटिक एनर्जी को कलेक्ट करने विंड फ्लोज ओवर द ब्लेड्स क्रिएटिंग लिफ्ट सिमिलर टू द इफेक्ट ऑन एयरप्लेन विंग्स। ठीक अच्छे व्हिच कॉजेस द ब्लेड्स टू टर्न द ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू अ ड्राइव शाफ्ट दैट टर्न्स एन इलेक्ट्रिक जेनरेटर व्हिच प्रोड्यूसेस और जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके सो दिस इज द होल प्रोसेस लेट्स सी ये गोटे फिगर अच्छे ये आम देखा कौन अच्छे ये कौन कह जाए विंड टर्बाइन्स केमी काम करे केमी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा जाए। ओके तो विंड टर्बाइन्स ऑपरेट ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल। ओके से प्रिंसिपल टी कौन विंड टर्बाइन्स टर्न्स द ब्लेड्स व्हिच आर कनेक्टेड टू अ रोटर गोटे रोटर संगे कनेक्टेड थाए से ब्लेड गुड़ाक जोटा कि कौन करे से रोटर पावर जेनरेट करे। ओके तीन टा मेन पार्टस आम देखा पाइबा गोटे टर्बाइन जोटा कि बनी कौन ना जिएंट ब्लेड्स आउ रोटर मिसिकिना बनी तापर गोटे आमर कौन अच्छी साफ्ट तापर जेनेटर। ओके तो टर्बाइन राम कौन टर्बाइन दुटा पार्ट आम देखिले गोटे जिएंट ब्लेड्स आउ गोटे रोटर। ओके
कहूँ ना आज विंड पासिस बाय इट मेक्स द ब्लेड्स स्पिन ब्लेड्स गुड़ाक घूरू ता फल कौन से ब्लेड्स गुड़ाक आटाच थाए गोटे रोटर सांगे से रोटरटा कौन कैर स्पिन कराए साफ्ट को बुझिपारल आज विंड पासिस बाय इट मेक्स द ब्लेड स्पिन अराउंड द ब्लेड्स आटाच टू द रोटर इन टर्न स्पिन द साफ्ट नेक्स्ट साफ्ट कौन कर साफ्टा गोटे है गियर बक्स ठीक अच्छे तो सेटा कौन कै आम स्पीड इनक्रीज कराए जो स्पिनिंग ब्लेड्स जोटा कि कौन कराए पावर दिए इलेक्ट्रिसिटी जेनेटर को ओके कौन अच्छे आमर द जेनेटर जेनेटरटा कौन कराए ना कनवर्ट कराए आम मेकानिकल एनर्जी जोटा टर्बाइन घूरिकिना प्रड्यूस होता है कौन कराए इलेक्ट्रिसिटी आमर प्रड्यूस कै इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को कन्वर्ट कराए मेकानिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट कराए तो यही भाया प्रोसेस दे कि ना विंड एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन करा जाए ओके गोटे फन फैक्ट अच्छे ये ना कौन बिगर द विंड टर्बाइन द मोर इलेक्ट्रिसिटी इट्स जेनेटेड ओके जिते बड़ विंड टर्बाइन गुड़ाक हम से इलेक्ट्रिसिटी अधिक जेनेट हम ओके नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी नेक्स्ट अच्छी आडभांटेजेस एंड डिसएडभांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी है द फर्स्ट एडवांटेजेस देखिबा कौन रहूची तो विंड पावर इंडस्ट्री क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दोची तापर कौन छी विंड एनर्जी हैज रिलेटिवली लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तार लो रहूची ठीक अछि इट इज एन एवरलास्टिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ओके नेक्स्ट अछि कौन वी आर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग आवर रिलायंसेस ऑन फॉसिल फ्यूल्स बाय एम्ब्रेसिंग विंड एनर्जी टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी फसिल फ्यूएल यूजेसटा कम करेंड एनर्जी जोटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता यूज कले सो दैट कि गोटे भल अभ्यास ठीक अच्छे फसिल फ्यूएलटा बेस एनवायरमेंट पर हार्मफुल थाए तो से विंड एनर्जी आम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यूज करें एनवायरमेंट पर भल सब्यस्त हम ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा डिसएडवांटेजेस कौन अच्छे डिसएडवांटेजेस प्रथम आसो विंड टर्बाइन्स कैन ओनली बी सक्सेसफुली इनस्टॉल्ड इन स्पेसिफिक एरिया किसीटा स्पेसिफिक एरिया ही विंड एनर्जी को आम विंड टर्बाइन को आम कौन कर इनस्टॉल कर सब जगह इनस्टॉल कर ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन अच्छी विंड टर्बाइन्स आर रियली क्वाइट डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू इनस्टॉल ऑपरेशन सीना तार ऑपरेटिंग सीना लो कॉस्ट हो किंतु फास्ट तो इनस्टॉल करिया पड़ो ना इनस्टॉलटा के एक्सपेंसिव से एक कथा से जिनसा ये कह जाए ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन अच्छे आमर विंड ब्लेड्स इनक्लूड ए सेफ्टी कनसर्न टू इंडिविजुअल्स वर्किंग नियर देम इन विंड कंडीशंस ठीक अच्छे सेफ्टी कनसर्न भी ये आम आसपर आसू बी एफिसीयंट एंड इफेक्टिव अ विंड टर्बाइन नेसेसिटेट्स अ कंटिन्यूस सप्लाय ऑफ विंड एनर्जी एंड इज होली अनप्रेडिक्टेबल ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा कौन आसमें देखा टाइडल एनर्जी ओके टाइडल एनर्जी कौन टाइडल एनर्जी इज प्रड्यूस्ड बाय सर्ज ऑफ ओशन वाटर्स ड्यूरिंग द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स ओके कौन अच्छे टाइडल एनर्जी इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी ओके द अमाउंट ऑफ पावर प्रड्यूस्ड सो फार हाज बीन स्मॉल सेथिपें कौन कराई ना वेरी फ्यू जगार कमर्सीलाइज टाइडल पावर प्लांट गुड़ाक ऑपरेट करुच्छी इन द वर्ल्ड ओके फर्स्ट कौटी आमर थिला ना ला रंस फ्रांस रे थिला ओके सब लार्जेस्ट फैसिलिटी कौटी अच्छे ना सीवा लेक टाइडल पावर प्लांट जोटा कि साउथ कोरिया रे अच्छे ओके यूनाइटेड स्टेट्स हाज नो टाइडल प्लांट्स ओनली ए फ्यू साइट हुए टाइडल एनर्जी कुड बी प्रड्यूस्ड एट अ रिजनेबल प्राइस चाइना फ्रांस इंग्लैंड कनाडा रशिया हैव मच मोर पोटेंशियल टू यूज दिस टाइप ऑफ एनर्जी ओके टाइड में देखिए फॉर मोस्ट टाइडल जेनरेटर्स टर्बाइन्स आर प्लेस्ड इन टाइडल स्ट्रीम्स ओके टाइडल स्ट्रीम कौन ना इज अ फास्ट फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर क्रिएटेड बाय टाइड्स ओके तो से फास्ट फ्लोइंग बॉडी वाटर बॉडी रे कौन करा टर्बाइन को फिक्स करागला ठीक अच्छे तापर आउ गोटे जिनस अच्छी कौन ना बिकज वाटर इज मच मोर डेन्स देन एयर टाइडल एनर्जी इज मोर पावरफुल देन विंड एनर्जी ओके अनलाइक विंड टाइड्स आर प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल तापर कौन करा ना आमर जेनेटर्स को यूज करा जाए कि ना आम स्टेडी आ रिलायबल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पारिबा ओके तापर आम कौन देखा ना अनादर टाइप ऑफ टाइडल एनर्जी जेनेटर यूजेस अ लार्ज डैम कॉल्ड बैरेज ओके विथ आम ये जो जिनसा यू कमी एनर्जी प्रड्यूस होने नेक्स्ट स्लाइड फिगर देखना बुझे को ट्राए करिया ओके
तो यही फिगर आम बुझाक ट्राए करें केमी एनर्जी जेनेट कर ओके प्रथम फिगर टी देखा यही फिगर टी हाई टाइड्स आसे केमी हो जिनसा कहला तो यहाँ है आम हाई टाइड आसपट सैडू यहाँ है आम रिजर्वे जोटा क्रिएट कराई तापर ये आम टर्बाइन लगी सर ये जेनेटरटा आउ ये आम टर्बाइन लगी ओके दि साइड ये आम गेट्स थी बुझिपाल पे ये दुटा साइड रे गेट्स थी ये टर्बाइन लगी जेनेटर तापर ये जो टर्बाइन टा जेनेटर सागर कनेक्टेड होता रिजर्वर एपटू हाई टाइड्स आसो ओके तो कौन हो जिते बड़े हाई टाइड्स आसो से कौन हम ये गेट्स गुड़ाक ओपन कराई एपटे गला वाटर गला एपटे रिजर्वर को एंटर कला ठीक अच्छे तो जिते बड़े गला से कला टर्बाइन टा घूरी गला ओबियसली टर्बाइन टा घूरला रईट तापर देखिए मैं लो टाइड केस रे कौन हो हाई टाइड पर तो लो टाइड ही आसो राइट तो यही फिगर में लो टाइड कथ कहला लो टाइड देख ये जना पड़े ये हाई टाइड था ये लो टाइड अच्छे तो ये सेम सेम जिस लो टाइड आठ रिजर्वर आम अच्छी अलरेडी हाई टाइड रू आस वाटर गुड़ाक ये रिजर्वर लेवल अफ व्टर हाई अच्छे ओके तापर कौन ना ये टर्बाइन घूरू आ टर्बाइन टा कनेक्ट कराई आम जेनेटर सागर ये गेट थी ठीक अच्छे तो ये कहला जो लो टाइड थी से कह ना ये गेटा पुण् थे ओपन है ठीक अच्छे पुण् थे ओपन है तो ये रिजर्वर भितर व्टर गुड़क पुण् थे गला बाहर को ओके तो यही जो प्रोसेस होती कौन होते व्टर एंटर हो टर्बाइन टा घूरू जितेपट बाहर को जाऊँगी एक्जिट हो सीता भी टर्बाइन टा घूरू तो टर्बाइन टा घूरला मैंने कौन टर्बाइन टा जेहतु जेनेटर सा कनेक्ट होती टर्बाइन टा घूरला मैंने कौन जेनेटर टा आक्टिव हो कम कर आउ इलेक्ट्रिसिटी जेनेट हम राइट तो इन दिस वे कौन कर टाइडल एनर्जी आम यूटिलाइज कर ठीक अच्छे तो टाइडल इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन वर्क्स आज द टाइड कम्स इन एंड अगेन व्वेन इट गोज आउट द टर्बाइन्स आर ड्रिवेन बाय द पावर अफ द सी इन बोथ डायरेक्शन से जिनटा ये मुझे जस्ट टिके आगे बुझेली है नेक्स्ट देखिए आम कौन अच्छे तो यहाँ है कि फिगर टाइडल एनर्जी इन यूज ओके तो यहाँ है टाइडल फैंस ये टाइप देखा हो ठीक अच्छे आउ ये टर्बाइन ठीक अच्छे वाटर यहाँ टर्बाइन टा नॉर्मल फ्लो फ्लो ऑफ वाटर ही फिक्स कराई और यहाँ में बैरेज कथा ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड रे बुझे ठीक अच्छे तो यही भाव में टाइडल एनर्जी को यूज कर पारिबा राइट नेक्स्ट देखिए कौन अच्छे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अच्छी कौन आम टाइडल एनर्जी प्रथम एडवांटेजेस विषय डिस्कस कर तो फास्ट एडवांटेजेस रो कौन अच्छे इट इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स तापर अच्छे टाइडल एनर्जी इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी एंड डजंट प्रड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस बिकज 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर इट इज पॉसिबल टू जनरेट दिस एनर्जी ऑन अ लार्ज स्केल ओके नेक्स्ट आसो एफिशिएंसी ऑफ टाइडल पावर इज फार ग्रेटर एज कंपेयर टू कोल सोलार एंड विंड एनर्जी ओके इट्स एफिशिएंसी इज अराउंड 80% तो कोल सोलार और विंड एनर्जी अपेक्षा यार एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी इज हाई ओके एफिशिएंसी इज अराउंड 80% डिसएडवांटेजेस कौन अच्छी कौन फास्ट आसो ना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइडल पावर प्लांट इज हाई तापर अच्छी नेक्स्ट कौन अच्छे देयर आर वेरी फ्यू आइडियल लोकेशंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड दे टू आर लोकलाइज्ड टू कोस्टलाइन रीजन्स ओनली नेक्स्ट आस इंटेंसिटी ऑफ सी वेव्स इज अनप्रेडिक्टेबल एंड देयर कैन बी डैमेज टू पावर जनरेशन यूनिट्स ओके आसो कौन फोर रे इन्फ्लुएंसेस एक्वाटिक लाइफ एडवर्सली एंड कैन डिसरप्ट माइग्रेशन ऑफ फिश ओके आमर एक्वाटिक लाइफ पे भी या किसी तरह हानिकर होता है तो एबे आसीबा आमर नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स जोटा कि है जियोथर्मल एनर्जी ओके जियोथर्मल एनर्जी कौन जियोथर्मल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेकन फ्रॉम द अर्थ कोर इट कम्स फ्रॉम हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट एंड द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ मटेरियल्स दिस थर्मल एनर्जी इज स्टोर्ड इन रॉक्स एंड फ्लुइड्स इन द सेंटर ऑफ द अर्थ ओके जियोथर्मल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जोटा कि अर्थ रो कोर रु मिलता है ओके इट कम्स फ्रॉम हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट एंड द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ मटेरियल्स ओके दिस थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन रॉक्स एंड फ्लुइड्स इन द सेंटर ऑफ द अर्थ
तो फर्स्ट के बे यूज होता आमर 1904 रे इटाली रे प्रथम यूज होता ठीक अच्छे। जियोथर्मल एनर्जी हाज बीन अ कनसीस्टेंट एंड एक्सपांडिंग सोर्स अफ एनर्जी इन रिसेंट इयर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जोटा कि सर्ट कौन अच्छे ना IRENA। जियोथर्मल एनर्जी हाज ग्रोन स्टेडिली फ्रम अराउंड 10 GW वर्ल्ड वाइड इन 2010 टू 13.3 GW इन 2018। 2010 रु 2018 भितर 2010 रे के 10 GW थी जोटा कि बढ़ीकिना 2018 बेले 13.3 GW। ओके नेक्स्ट कौन कौन टू प्रोड्यूस पावर फ्रॉम जियोथर्मल एनर्जी वेल्स आर डग कुओं खोला जाए अ माइल डीप इनटू अंडरग्राउंड रिजर्वर्स टू असेस द स्टीम एंड हॉट वाटर ठीक अच्छे। सही कौन था स्टीम किंवा हॉट वाटर को कलेक्ट करने से कुंटी खोल जाए ठीक अच्छे। तापर असेस करिया पे से कुंटी खोल जाए ठीक अच्छे। व्हिच कैन देन बी यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइन्स कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट्स कौन छे ना ड्राई स्टीम फ्लैश और बाइनरी। ओके तो फास्ट कौन आसो तो ओल्डेस्ट टाइप है ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम टा कौन व्हिच टेक्स स्टीम डायरेक्टली फ्रॉम फ्रैक्चर्स इन द ग्राउंड टू ड्राइव अ टर्बाइन ठीक अच्छे। नेक्स्ट आ गोटे कौन फ्लैश प्लांट्स। ओके से कौन अच्छे ना पुल हाई प्रेशर हॉट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड एंड मिक्स इट विथ कूलर लो प्रेशर वाटर दिस इन टर्न क्रिएट्स स्टीम दैट इज यूज टू ड्राइव अ टर्बाइन। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन अच्छे ना बाइनरी प्लांट्स। बाइनरी प्लांट्स टा कौन बाइनरी प्लांट्स को यूज कर जाउची हॉट वाटर पास्ड थ्रू अ सेकेंडरी फ्लूइड दैट हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। द सेकेंडरी फ्लूइड इज टर्नड इनटू वेपर व्हिच ड्राइव्स अ टर्बाइन। मोस्ट फ्यूचर जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बाइनरी प्लांट्स। ओके बाइनरी प्लांट्स बहुत सारा यूज हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करा जाउची। नेक्स्ट देखिबा कौन अच्छे ना हाउ इज इट यूज ये जियोथर्मल एनर्जी केमी यूज करा जाए केमी ना कुकिंग रे आउ हीटिंग सिस्टम भाया भी यूज करा जाए ठीक अच्छे। अंडरग्राउंड जियोथर्मल रिजर्वर्स ऑफ स्टीम एंड हीटेड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड अदर हीटिंग एंड कूलिंग एप्लीकेशंस। ओके तापर कौन अच्छे ना जियोथर्मल एनर्जी को आम कौन कर पारिबा ना एहा को यूज कर पारिबा टू हेल्प ग्रो प्लांट्स इन ग्रीन हाउसेस फॉर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग इन होम्स एंड बिजनेसेस। ओके इट कैन ऑल्सो बी पाइप्ड अंडर द रोड्स टू मेल्ट स्नो। ओके सो दीज आर सम यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। ओके नेक्स्ट देखा कौन अच्छे देखा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन रोचे जियोथर्मल एनर्जी प्रथम एडवांटेजेस देखा एज ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अ मेन एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज एनवायरमेंटल। ओके इट प्रोड्यूसेस जस्ट 1/6 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय अ क्लीन नेचुरल गैस पावर प्लांट। ओके यहाँ गोटे मानने कौन कह कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम रोच ठीक अच्छे। यहाँ गोटे निहत भाव में बेनिफिट तापर कौन अच्छे आमर जियोथर्मल इज ऑल्सो चीपर दैन कन्वेन्शनल एनर्जी विथ सेविंग्स अफ आज मच एज 80% कंपेयर्ड विथ फसिल फ्यूएल्स। ओके 80% कम कौटू ना फसिल फ्यूएल जो आम यूज करूँ ताठ मैंने चीपर रे आमको मिल जाए। ओके तापर कौन अच्छे अनलाइक अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलार एंड विंड इट इज कन्स्टांटली अवेलेबल। यहाँ भी सोलार एनर्जी आ विंड एनर्जी जमी सब अवेलेबल था यहाँ भी सही भाया अवेलेबल रहे ठीक अच्छे। किसी डिसएडवांटेजेस रोज यार कौन देखिए फास्टली प्रोडक्शन इज लिमिटेड टू एरियाज नियर टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज इन एडिशन सम लोकेशंस मे कूल डाउन आफ्टर डिकेड्स ऑफ यूज मैंने लिमिटेड एरिया युवा आमको अवेलेबल हो पार ठीक अच्छे। तापर कौन अच्छे ना नेक्स्ट कौन अल्दो इट इज चीपर देन फॉसिल फ्यूल्स वन्स अ प्लांट हैज बीन बिल्ड द ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस साइट्स इज एक्सपेंसिव। दिस इज इन पार्ट ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वेयर एक्सपीरियंस्ड बाय ड्रिल्स एंड अदर टूल्स इन सच अग्रेसिव एनवायरमेंट्स। ओके तापर कौन अच्छे जियोथर्मल
plants can release hydrogen sulfide, a gas that smells like rotten eggs. Finally, some geothermal fluids contain low level of toxic metals which need to be disposed of. So these are the advantages and disadvantages of geothermal energy. Okay, let's see what next. तापर इस बात को हमरा biomass energy. Biomass energy गोटे renewable energy source जोटा की generate करा जाए हमरा कोना burning of woods, plants and other organic matter. Okay, such as manure or household wastes. It releases carbon dioxide. हेला कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे व्हेन बर्न्ड बट कंसीडरेबली लेस देन फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल रो जो यूज करू तार ताठ जति की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए ता कंपेयर एटी कम ही रिलीज हुए. ठीक अछि, वी कंसीडर बायोमास अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इफ द प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स बीइंग बर्न्ड आर रिप्लेस्ड. एको आमे रिन्यूएबल रिसोर्स हिसाब रे एनर्जी सोर्स जते बेले ग्रहण करबा जते बेले प्लांट्स किबा अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जोड़ा का बर्न होना आम एनर्जी पाऊजे से गुड़ा कौन रिप्लेस हो पार्थ. ओके, नेक्स्ट कौन अच्छी ना बायोमास हाज बीन इन यूज सिंस पीपल फर्स्ट बिगन बर्निंग वुड टू कुक फूड एंड कीप वार्म. वुड इज स्टिल द लार्जेस्ट बायोमास एनर्जी सोर्स. ठीक अच्छे, अदर सोर्सेस इनक्लूड फूड क्रॉप्स, ग्रासी एंड वुडी प्लांट्स, रेसिड्यूज फ्रॉम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, ऑयल रिच एल्जी एंड द अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन of municipal and industrial wastes. Okay, even the fumes of landfills which contain methane, the main component in the natural gas, can be used as a biomass energy source. Okay, biomass can be used for fuels, power production and products that would otherwise be made from fossil fuels. Okay, तो आम नेक्स्ट आम टे देखा ट्राए करवा जे बायोमास एनर्जीटा केमी एक्जाक्टली आम यूज कर फिगरटा है गोटे बायोगैस प्लांट्र तो यहाँ केमी कौन केमी कम कर विषय आम धारणा नहीं जा. ठीक अच्छे, यहाँ टोटाल यहाँ है ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल तौक ये जिनस थाए ग्राउंड लेवल ये जिनस थाए. ओके, तो यहाँ है आमर कौन एटा मिक्सिंग टैंक, आसो इनलेट चैंबर, तापर एटा हला हमर डाइजेस्टर. ओके, तापर एटा आउटलेट चैंबर, तापर एटा हला ओवरफ्लो टैंक हला. तो एठी तापर डाइजेस्टर ऊपर को एठी गोटे पाइप पाइप अछि सेटा को हम कोन कहबा ना आउटलेट फॉर बायोगैस. ठीक अछि, सेटा को गोटे सेथिरे भी गैस वाल्व थाय कनेक्टेड. ओके, तापर देखिबा एरा फंक्शन केमिति कोन. तो मिक्सिंग टैंक रे प्रथमे कोन स्लरी ऑफ कैटल डंग और वाटर. ठीक अच्छे, स्लरी कौन ना काउ डंग वगैरह जो रहा सेटा प्लस वाटर जो मिक्स कराई थोड़ा सेटा को हमें स्लरी कह तो भितर छड़ा मिक्सिंग टैंक देखना. तो से फर्स्ट प्रथम कौन जी इनलेट चैंबर होना जी से आम डाइजेस्टर को. ठीक अच्छे, डाइजेस्टर में कौन थाए ना बहुत सारा अनारोबिक बैक्टेरिया अनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स गुड़ा था अनारोबिक बैक्टेरिया गुड़ा था. तो सी कौन हुए ना मैंने ये जो स्लरी गला डिकम्पोज करते. ठीक अच्छे, डिकम्पोजेसन करने द्वारा बहुत सारा गैस बाहर थाए. तो कौन कौन मुख्यतः गैस बाहर थाए, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, एगुड़ा सब बाहर जाए. ठीक अच्छे, तो यहाँ है आम बायोगैस कह मिक्सचर ऑफ गैस बाहर थाए. ठीक अच्छे, तब जो स्लरी काम सरला सी कौन हम ना अधिक रु अधिक जिते गैस बाहर से कौन से गैस प्रेशर द्वारा जो स्लरी गुड़ा यूटिलाइज हो जाए बायोगैस फॉर्मेशन हो जाए डिकम्पोज हो जाए तो ताद्वारा से गुड़ाक कौन हम ना ये आउटलेट चैंबर देकना कौन हम बाहर को पलब ओवरफ्लो टैंक को पलब जो स्लरी गुड़ा मानने काम सरिका ये जो आउटलेट टैंक चैंबर देकना ओवरफ्लो टैंक को जाऊ तो स्पेंट स्लरी कह. ओके, तो यहाँ आम कौन देखिले ना आम मिथेन. ठीक अच्छे, मिथेन जो बायोगैस समिक्सचर ऑफ गैसेस रे मिथेन परिमाण तो अधिक था 75% आम मिथेन गैसटा मिली थाए. ठीक अच्छे, तो यहाँ मिथेनटा कौन आम समझ जानते गोटे एक्सलेंट फ्यूल. तो यहाँ फ्यूल हिसाब से व्यवहार कर जाइपर ता सहित कौन भाव ना जो स्पेंट स्लरी गुड़ा रहा है तार पीरियडिकली एक्सट्राक्ट करना से आम कौन मैन्योर बाहर करें जोटा कि आमर जो नाइट्रोजन और सल्फर रिच थाए. ओके, तो यहाँ थी बायोगैस रे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन केमी कौन तार फंक्शनटा. ओके, तो यही बायोमास एनर्जी को आम यूटिलाइज करपर रईट.
तो प्रथम आसप क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्स, नो वेस्टेज ऑफ वैल्युएबल लैंड, बायोमास कैन बी स्टोर्ड एंड यूज व्हेन रिक्वायर्ड, बायोमास रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, बायोमास इज चीपर देन फॉसिल फ्यूल, बायोमास प्रोडक्शन आर्ट्स रेवेन्यू सोर्स फॉर मैन्युफैक्चरर, रिडक्शन ऑफ गार्बेज इन लैंडफिल्स। ओके, डिसएडवांटेजेस एभली कौन रहुछे, कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कहीं जदि आम तार रिप्लेस करवानी, आम जंगल रू काठ नवा, काठ जाड़िकिना आम बायोमास एनर्जी ताकू पाइले, ठीक अच्छे, किंतु आम जंगल ही जदि लगेबानी, मानने गच्छ ही जदि लगेबानी, ताहले से तो वन दिन ना दिन सरी ही सब आ नथिबो काठ यूज करने, तो से कहुचे कैन भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो पार। तापर कौन अच्छे, बायोमास डेवलप रिक्वायर्स लैंड, तापर रिक्वायर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोमास एनर्जी, तापर इकोनॉमिकली नॉट सो एफिशिएंट, बायोमास प्लांट्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ स्पेस, लो एनर्जी डेंसिटी, तापर अच्छे नॉट कंप्लीटली क्लीन एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट आसो आम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस विषय में देखा, ठीक अच्छे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कौन ना, जो एनर्जी गुड़ाक आमको आम यूटिलाइज कलापर तक रिप्लेनिश कर पारानी। ओके, तो ये कौन रही जाए ना, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी रोचे, ठीक अच्छे, वन्स दिज रिसोर्सेस आर यूज अप दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, व्हिच इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी एज वी आर करेंटली डिपेंडेंट ऑन देम टू सप्लाई मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स। तो केते प्रकार रोचे ना, टू टाइप्स, टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर फॉसिल फ्यूल्स गोटे आ गोटे है न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, फॉसिल फ्यूल्स अंडर आम कौन आसो, गोटे है कोल, तापर आस क्रूड ऑयल, तापर है नेचुरल गैस। ओके, फॉसिल फ्यूल विषय फास्ट देखा, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बरीड बिनीथ द अर्थ सर्फेस, द अर्गानिक मैटर मेनली कंप्राइजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स दैट हैव डिकम्पोज्ड हीटेड एंड कंप्रेस्ड ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म फॉसिल डिपोजिट्स। ओके, द डिपोजिट्स आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू ड्रिलिंग और माइनिंग एंड दे कैन बी इन लिक्विड, गैस और सॉलिड फॉर्म, फॉसिल फ्यूल्स आर हाईली कंबसिबल मेकिंग देम अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। फसिल फ्यूल एग्जांपल रे जहाँ कही गोटे है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस आ गोटे कोल, ठीक अच्छे, देखा वन बाय वन कौन, फास्ट आसो क्रूड ऑयल, ठीक अच्छे, क्रूड ऑयल रे कौन आ, क्रूड ऑयल ऑल्सो रेफर टू आज पेट्रोलियम ऑयल इज द ओनली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दैट इज एक्सट्रैक्टेड इन लिक्विड फॉर्म, इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट और बिटवीन द रॉक्स and it is retrieved by drilling of vertical wells into the ground and ocean floors. Okay, ei phale aku utpadan kara jae. Next asibo kono, the crude oil is then pumped out the surface, taken through a refinery and then used to create different products. It used to produce gasoline and diesel, to power motor vehicles and manufacture plastics, heating oil, propane and jet fuel. As well as artificial food flavors. Okay, with oil reserves being used up more quickly than new oil fields are discovered, scientists predict that the current oil reserves may not last beyond the middle of the 21st century. Tapa dekhi ame natural gas, thik ache, natural gas kono, natural gas is a gaseous non renewable energy resource, thik ache, that is found below the earth's crust but near crude oil deposits in the subsurface. Okay, natural gas primarily consists of methane but may also contain other forms of natural gas such as propane, ethane or butane. ओके, मिथेन रा जोटा कौन ना ओडरलेस थाए, आठ कौन करा जाए ना गोटे स्पेशल टाइप ऑफ एडिटिव को मिक्स करा जाए, कौन पे ना इजिली डिटेक्शन करें, मन गोटे जगह गैस लिकेज है तो कमी आम जाना जो किसी तरह ओडर नथिबो, से एडिटिव को यूज करा जाए ताको इजिली डिटेक्ट करें। ओके, वन्स नेचुरल गैस इज एक्सट्रैक्टेड इट इज सेम टू प्रोसेस प्रोसेसिंग प्लांट्स टू रिमूव प्रोपेन और ब्यूटेन, कहीं जितेबाला एक्सट्राक्ट करा जाए से कौन थाए ना मिक्स होता है मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब मिक्स होता है, तो से एक्सट्राक्शन पर कौन करा जाए प्रोसेसिंग प्लांट को पठा जाए जोटि की प्लांट्स मानक कौन करा जाए रिमूव करा जाए कहा ना प्रोपेन और ब्यूटेन को, ठीक अच्छे, तापर कौन करा जाए ओनली मिथेन को रखा जाए, ठीक अच्छे, व्हिच इज यूज्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जोटा कि आम घरे घरे यूज कर एलपीजी गैस। ओके, एलपीजी गुड़ को
Natural gas is used for heating homes as well as for cooking in gas ovens, stoves and grills. Okay, तापर देखवा next कौन ची? Next आसी बामर coal, ठीक अच्छी, coal विषय देखिवा, coal टा कौन? Coal टा केमिति क्रिएट है ना? Compressed organic matter, it contains carbon and hydrocarbon matter. It is formed from plant filled swamps that have been covered by sediments for millions of years. Coal is extracted by digging of the ground and taking out the coal solids for processing into energy. The main types of coals are anthracite, lignite, bituminous and subbituminous. Anthracite re kete pariman re carbon thai na 86 to 97% carbon thai. It has highest heating value. It is much harder to find than the other types of coal and is used in the metal industry. Okay, tapre kon se bituminous, bituminous ra kete pariman ra carbon content thai na 45 to 86% thai, thik ache. It has high heat content and used in generating energy and making steel and iron. Okay, tapre kon se lignite, thik ache. Lignite ta kon refer to as brown coal madhe kuha jae lignite ko. Tapre eta kon thai soft thai, brown thai, combustible thai aur sedimentary rock formed from naturally compressed peat, hela. It has a carbon content around 25 to 35% thai. Then kachi kona, it is considered the lowest rank of coal due to its relatively low heat content. Okay, tapre asiba subbituminous coal. Subbituminous coal is a low grade coal that contains 35% to 45%. Subbituminous coal is primarily used as fuel for steam electric पावर जनरेशन. नेक्स्ट आम कौन देखा न्यूक्लियर एनर्जी है यूरेनियम विषय तो अपार्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स द अदर कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज नॉन न्यूक्लियर फ्यूल्स. ओके, इट इज प्राइमरली ऑब्टेंड थ्रू द माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ यूरेनियम ओर. ओके, यूरेनियम ओर रु ही एटा मिली था और नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिलो द अर्थ सरफेस. यूरेनियम इज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज द एंड माइनर्स and miners often gather the uranium deposits for refining and purification. Mineral generates power through a process known as nuclear fusion, which creates enough pressure to run turbines and generate nuclear power. Okay, so ebe dekhiba non renewable energy gurira advantages aur disadvantages. Okay, pratham advantages sibo first kon ro advantage re the non renewable source of energy is affordable, for instance diesel or oil. ठीक अच्छे, इट इज इजिली आसेसेबल एंड मोर कंपैटिबल. ठीक अच्छे, द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज इजी टू स्टोर. तापर कौन अच्छे डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, फर्स्ट आसो कौन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस देयर एनर्जी सोर्स इज यूज अप. द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कॉज एनवायरमेंटल डैमेजेस. इट ऑल्सो इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस. तापर आसो ट्रांसपोर्टिंग फॉसिल फ्यूल्स माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज कैन cause accidents and result in oil spills, nuclear meltdowns, pipeline leaks and even explosions which cause harmful effects on the environment. So these are the advantages and disadvantages of non-renewable energy. Okay, so that's all for today. तो आज एति आम मैंने देखे आज एनर्जी विषय में केमी कौन तार आडभांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आगे जानले जो केमी से जिनसा वर्क करूँ है आम केमी यूटिलाइज करूचे. ठीक अच्छे, तो आज एति आशा करीडियोटी भल लगे जदि भल लगे निहती भाव में लाइक सेयार सब्सक्राइब करेंगे आउ भिडी देखि बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.